जय हिंद प्यारे बच्चों, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रुप SRB बैच का उन्नति ग्रुप, मुझे याद है जब मैंने ग्रुप बनाया तो बच्चों के दिमाग में चल रहा था सर ये क्या कर रहे हैं, और मुझे भी लगता था कि अगर कोई प्रयोग किया जाए, अगर वो प्रयोग असफल हो जाए तो फिर खराब लगता है, लेकिन ये प्रयोग इतना सफल रहा कि आप ग्रुप में वीडियो देख रहे हैं। तो हमारे साथ उन्नति ग्रुप के बच्चे हैं मल्लिका, शिल्पी, अरुणिमा, कुबा, रीवा, सुषमा, सचिन, फारूक, सात्विक, शुभम, ये सारे बच्चे ग्रुप में थे उन्नति ग्रुप में, और आज इन सारे बच्चों को कॉलेज मिलने जा रहा है। और हमारे कुछ लक्ष्य ग्रुप के बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में। कौन कौन है भाई लक्ष्य ग्रुप के, आगे आ जाओ। हाँ, प्रयास ग्रुप, तो लक्ष्य, प्रयास, ये सारे बच्चे हैं जो हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को वीडियो बनाने में। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है। ये बच्चे रोते थे, हमारे साथ फार्म हाउस भी जाते थे, शाम को टहलने भी जाते थे, दिमाग में एक ही बात होती थी, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब आप बच्चों के बहुत क्लोज होते हो तो टीचर को भी बहुत डर लगता है, लेकिन फाइनली आज ये बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, और इन बच्चों ने कहा कि सर एप्रेन भी हम लोग आपके हाथ से ही पहनेंगे। तो पहले हम देखते हैं। हाँ, कुबा ने कहा सर ये क्या होता है, मिठाई भी खिलाइए, है ना, तो हमें भी, लो बच्चों मिठाई खा लो। तो हमने बच्चों से कहा तुम लोग एप्रिन पहन लो, तो बच्चों ने कहा नहीं सर आपके हाथ से पहनेंगे। तो पहले बच्चों की इच्छा पूरी की जाए, बच्चों को एप्रिन पहनाया जाए। और इस ग्रुप की कैप्टन सुषमा है, जिसने पूरे साल भर अपने ग्रुप को कोऑर्डिनेट किया, ग्रुप को मोटिवेट किया। और टीचर का काम होता है ना, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ, टीचर काम होता है आसान कर लेना। पहले क्या होता था कि मैं एक एक बच्चे खुद फ़ोन करता था, अब पता चला कैप्टन का कान पकड़ा, सबको बुलाओ, और कैप्टन ने सबको फ़ोन कर दिया। और ये एक सोच है, सोच ये है कि आगे भी जब ये बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में जाएंगे तो इनको एक दूसरे की ज़रूरत होगी, तो इनमें एक बाइंडिंग हो गई है, क्यों शुभम? और बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आज ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी है, तो काउंसलिंग का आप लोगों ने सब देख लिया कैसे करना है, हैं? तो पहले काउंसलिंग ऑल इंडिया की होगी, फिर स्टेट की होगी, फिर सेकेंड राउंड होगी, फिर मॉप अप राउंड होगा। तो अरुण, मैं ये बताओ कि पहले की काउंसलिंग में, आपकी काउंसलिंग में क्या डिफरेंस, क्या रूल में डिफरेंस है? सर पहले ये होता था कि काउंसलिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स आते थे उसमें लोग हर स्टेप पे जाके अपने आप को एनरोल करा सकते थे और काउंसलिंग से सीट ले सकते थे। एग्जैक्टली। बट अब प्रिसाइसली ये रूल आ गया है कि अगर सेकेंड राउंड बीट ऑल इंडिया या स्टेट अगर आप उठा लेते हो सीट, तो फिर वो आपकी फिक्स्ड हो जाएगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी, वो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी, फिर आप आगे किसी भी स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी, कि सीट अलॉट हो गई लेकिन हमने एडमिशन नहीं लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना फर्स्ट राउंड में? सर फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड वाली फिक्स हो जाएगी, अगर आपने नहीं लिया तो फिर यू आर आउट ऑफ द गेम ओनली, आपको लेनी पड़ेगी वो सीट। तो बच्चों आज वीडियो बनाने का ये भी सेंस था कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है वो फाइनल है सर, तो वो फाइनल है। एग्जैक्टली। आप एडमिशन लो या ना लो, वो आपका फाइनल, उसके बाद आपका योर क्लेम इज़ फिनिश्ड। हाँ, राइट सर। ग्रेट। हम तो सब बच्चों से ही सीखते हैं, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुषमा से, जो सुषमा कैप्टन है। सुषमा ये बताओ, तुम्हारे उन्नति ग्रुप में, अच्छा ये बताओ, जब पहले हमने ग्रुप बनाया तो तुम लोगों को क्या हुआ कि ये क्या कर रहे हैं सर, रोज नया नया प्रयोग करते हैं? हाँ सर, पहले तो बहुत ज्यादा टेस्ट भी होते थे स्टार्टिंग में, लोग आते नहीं थे, लोग को फोन करके बुलाना पड़ता था, टेस्ट देने आओ। हाँ। फिर मतलब रेगुलर हुए धीरे धीरे। हाँ। बाकी मतलब जितने ग्रुप में थे 20-21 लोग थे,
तो मोस्टली उसमें से 17-18 लोग का तो सिलेक्शन हो गया है, बाकी जो 2-3 लोग का नहीं हुआ है उनका भी 585-590 के बीच में मार्क्स है उनको। वेरी गुड वेरी गुड। तो हो सकता है कि अगर तो पिछले वैकेंसी तक उनको उन्नति ग्रुप ने काफी उन्नति कर लिया भाई है। तो तुम लोग ये बताओ कैप्टन तुम लोगों की कैसी थी, ठीक थी? वेरी कोऑपरेटिव है, वेरी गुड। रीवा क्या कहना चाहोगी उन बच्चों के लिए जिनका कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया है? कि डीमोटिवेट ना हो, पिछली बार हम सब भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थे, पर सर कहते थे कि कुछ नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब टेस्ट दो और अपनी तैयारी अभी से चालू कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम है, पर टेस्ट ज़रूर दीजिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। वैसे भी देखो एक चीज़ है ना कि आपका रोल जो है प्रेजेंट में है, आपका रोल ना तो पास्ट में है और ना ही आपका रोल फ्यूचर में है। तो अगर हम आज हम जिस स्थिति में हैं अपने कल के कर्मों की वजह से हैं, और हम कल क्या बनेंगे अपने आज के कर्मों की वजह से बनेंगे, तो अपने हाथ में तो प्रेजेंट ही होता है ना। और हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं फ्यूचर में ये होगा, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर कुछ नंबर से सिलेक्शन रुका है तो हो जाएगा भाई। देख रहे हो ना ये भीड़, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, एक एक ग्रुप के बच्चे सेलेक्ट हुए, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। और अभी कुछ बच्चे परेशान भी होंगे, सिंगसर क्लास में आते नहीं, ध्यान नहीं देते, भैया अभी तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे यार। मतलब तुम लोगों को भी सिखाया था सर टाइम नहीं देते, उनको भी सिखाया था सर टाइम नहीं देते। ठीक है रीवा कुबा ये बताओ बेटा कि मतलब दिल से बड़ी खुशी है तुम लोगों के सिलेक्शन की, कितनी बार से रोए गाए, और खराब तब लगता ना जब तुम दोनों में से कोई सेलेक्ट होता। राइट, हम लोग इसीलिए खुश हैं कि हम दोनों ही हो गए। हाँ तो क्या कहना चाहोगे ग्रुप के बारे में, टेस्ट के बारे में? ग्रुप की वजह से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था हम लोगों को, और हम लोग जितने लोग एक्टिव रहते थे उन सबका ही शायद सिलेक्शन हो रहा है, जितने भी लोग, और बाकी के लोग कुछ लोग घर भी बैठ गए नहीं आया करते थे, बहुत बार वो फ़ोन करके बुलाती भी थी नहीं आते थे। अब उसका इफेक्ट ये हो गया कि इस बार सारे बच्चे कह रहे सर जल्दी ग्रुप बनाइए जल्दी ग्रुप बनाइए, ग्रुप तो बनता ही नहीं है, अब यूट्यूब में आपने बोला था है ना। तो ये तो है कि जब किसी चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है तो फॉलो करते हैं। दो तीन चीज़ें होती हैं, पहले आप जब कोई नया काम करते हो तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, सेकेंड स्टेप में लोग साइलेंटली सुनेंगे, और थर्ड स्टेप में लोग फॉलो करेंगे। ठीक है अरुण मैं ये बताओ कि जब तुम लोगों के नंबर इतने अच्छे आए और उसके बाद हमने शुरू से ही फुल लेंथ टेस्ट शुरू करा दिया, तो पहले क्या रिएक्शन था? सर हम लोग तो शायद सबसे ज़्यादा रेडी इस चीज़ के लिए थे कि हमें फुल लेंथ ही देना है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप एक एंटायर सिलेबस कवर कर चुके हो, वापस से सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिलेबस का टेस्ट देना, क्योंकि आपने 4 चैप्टर पढ़े आपने दिए, बट ऑब्वियस ही बात है आप अच्छा स्कोर करोगे। आपका एक्चुअल चैलेंज होता है जब आप पूरा एंटायर सिलेबस कवर करके उसको देते हो, आप अपना मेन एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आप सारे जितने चैप्टर्स हैं सबका उसका टेस्ट देते हो, सो फुल सिलेबस। अच्छा बेटा मेरे दिमाग में ये बात शुरू से थी कि जब बच्चे के 575-580 आ गए तो 580 के ऊपर जाए फिर ABCD क्यों करें? जी सर एग्जैक्टली वही। चलो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम दोनों दोस्त सेलेक्ट हो गए, सबसे खुशी इस बात की है। शिल्पी बेटा यस सर, तुम तो अभी बहुत छोटे छोटे लग रहे हो हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। न्यू लाइट में ग्रुप स्टडी नीट IPL ग्रुप स्टडी तो सर बहुत अच्छा था, मतलब जैसे कोई दूसरा मिस्टेक्स करता था तो वो खुद को भी एकदम लर्न सी हो जाती थी एग्जाम में, जैसे मतलब पता चलता था कि दूसरे ने गलत किया तो मुझे नहीं करना है, तो वो बहुत काफ़ी बेनिफिटेड था। अच्छा टीचर का बेटा काम ही होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना? यस सर। फिर तो हमारा काम था आप लोगों को आपस में मिला दिया, फिर तो आप लोग खुद ही जंग जीत लेते हो। मल्लिका पिछली बार तुम कहीं और थे, इस बार तुम न्यू लाइट में आए, फिर तुमने देखा ग्रुप बना ना, फोन ऑन भी कर लेते थे हम लोग कभी कभी, क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, ये सब जर्नी कैसी रही न्यू लाइट की? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील था ये, क्योंकि सर हर जगह यही मतलब एक वही होता है कि टीचर आता है पढ़ा के चला जाता है, बट सर यहाँ पे वैसा नहीं था, आपने मतलब 24/7 आप हर थोड़े दिन में कॉल करते रहते थे, पूछते थे कि कितना हुआ बेटा, मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो सर वो होता है ना कि जब कोई ऊपर आपको गाइडेंस दे रहा होता है तो अपने आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, आपका हमेशा मन करता है कि हाँ यार काम करते रहो, बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी चिंता है, तो सर उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और वैसे भी देखो ना फिनोटाइप में दो चीज़ों का रोल होता है, जीन और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। तो जीन तो होता ही है बच्चों में, अब वो एनवायरनमेंट अच्छा देना कि नहीं तुम कर सकते हो और भी बच्चों ने किया। आज भी मेरा बेटा वीडियो बनाने का यही सेंस है कि वो हमारे बहुत सारे बच्चे जो निराश हैं परेशान हैं जो 500 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, और इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो रो रो के सेलेक्ट हुए।
गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सचिन हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप हो जाती है जिसमें टाइम बर्बाद होता है, तो इनकी भी फ्रेंडशिप हो गई थी और उस टाइम में इनका भी ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब सिलेक्शन के बाद कहानी उल्टी हो गई भाई। यस सचिन क्या कर, नहीं नहीं ये हम हाँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हिडन बात नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक इमोशनल ब्रेकअप होता ही इस टाइम पे, और ये किसी भी टाइम पे होता है ना। Yes. तो इसमें ज़रा भी हेजिटेट होने की बात नहीं है। आपने जो चीज़ें आपने फेस की, जिस चीज़ों से आपको नुकसान हुआ, उसको बताइए कि अभी कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा, अचानक जब रिजल्ट आएगा तो सब दुनिया बदल जाएगी, सब दुनिया के देखने की नज़र बदल जाती है। अच्छा नहीं तो होता, अच्छा तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो, अभी भी कानपुर जा रहे हो, है ना, तो उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाते हैं। यस सर, दो मिनट सचिन में सब क्या कहना चाहोगे बताओ। यही है इस पूरी जर्नी में बच्चे जो जो फेस करते हैं, मानवी बात है, 3 बार 4 बार हो गया तो घर से भी, और लड़कियों का तो और ज़्यादा होता है, कैसे कहें घर से, लड़कों का भी यही होता है ना। तो एक बात हम अक्सर कहते हैं कि कई बार सफलता आपको तब मिलती है जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं। यस सर, यही ये बात आपकी बहुत पहले से नोट करी है हमने। और एक स्टेज ऐसी भी आती है कि पेरेंट्स भी कहने लगते हैं अरे बेटा अब रहने दो, कुछ और कर लेते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता है, है ना, लेकिन आपका मन नहीं मानता है। जिस चीज़ को आप इतना टाइम दे चुके होते हैं, 2 बार 3 बार, उतना फिनिशिंग पॉइंट के पास पहुँच के जब छोड़ना पड़ता है तो तकलीफ बहुत होती है। क्या कहना चाहोगे सचिन? यही कहना चाहेंगे कि जैसे होता है लोगों में, मतलब ये सब तो होता रहता है, बहुत बार मेरा लास्ट ईयर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट था, सब कुछ था, उसके बाद भी नहीं सेलेक्ट हुए। गलती देखो अपने को जो होती है वो पता रहती है। एक होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है, जैसे आप टेस्ट देंगे, बहुत लोग होते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो सही है, पढ़ना सब कुछ सही है, बट क्या है ना कि जैसे टेस्ट हमने मिस किया था तो वो इन्वायरमेंट असली वाला जो होता है वहाँ पे जाके ये सर डिप वो होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों का पेपर अच्छा, खराब तुम हुआ लोगों तो ये हैबिट पड़ गई होगी टेस्ट देने की। yes, exactly. अच्छा बाद में मुझे भी बताएं, दिल की बात बताएं, बाद में मुझे भी डर लगने लगा था कि यार बच्चों को पढ़ने दे नहीं रहे, रोज टेस्ट के लिए बुला रहे, रोज टेस्ट के लिए बुला रहे, हफ्ते में 5 टेस्ट। यस, लेकिन अब वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि वही जरूरी है। जरूरी है सर बहुत एकदम, मतलब टेस्ट आप जितने ज्यादा देंगे, आप जितनी मिस्टेक्स अपनी देखेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, ये वही सब मैच है। जैसे मैच का वार्म अप राउंड होता है ना, हम कभी कभी सोचते थे कल क्रिकेट है यार, और प्लेयर को अभी खिला के थका दे रहे, कल बेचारा क्या खेलेगा। चलो तो ठीक है, इस बार हम सुबह भी एक टेस्ट दिला देते ठीक है सचिन, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ फारूक है गोंडा से। फारूक कितना स्कोर किया बेटा? सर 640 आ रहा है मेरे स्कोर। उन्नती ग्रुप में थे? हाँ सर। तो ग्रुप में कभी बात बात हुई थी आपस में? सर कैप्टन से शुरुआत में हमको लग रहा था सर, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है सर, जब ग्रुप डिवाइड हो गया था। उसके बाद कैप्टन, लेकिन अगर ये नीट IPL कंटिन्यू हुआ होता ना तो इसका रिजल्ट और जोरदार होता। सर कैप्टन का, मतलब कैप्टन का मैसेज वगैरह फोन आता था कि टेस्ट का नहीं देने आ रहे हो, ग्रुप में सब बच्चे आ रहे हैं। क्या बात है बताओ। तो सर मतलब हमको लगता था कि अभी थोड़ा ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, लेकिन समझाने के बाद हम थोड़ा फॉलो करने लगे उसके बाद टेस्ट को। तो बेटा क्या होता है ना, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो वो सोचता है उसके 8-10 बच्चे आपस में प्यार से रहें, और कमोबेश वही टीचर की भी फीलिंग होती है कि सब प्यार से रहें, है ना। और ये मैं बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा जो आपको आगे मेडिकल फील्ड में मिलेगा, आप मतलब समझ नहीं सकते हो इस बॉन्डिंग का फ़ायदा। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ अपर लिम, हमारे यहाँ लोअर लिम, क्या हो रहा है टेस्ट में, कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे इवन जब आप फील्ड में आओगे ना तो आपका एक मेडिकल एसोसिएशन होगा, उस पेशेंट को वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक संदेश भी है कि इस बॉन्डिंग को मेंटेन रखिएगा। सर इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया था और लेट कैप्टन ने किया और हमने इंप्लीमेंट किया, एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया, जीन का एक्सप्रेशन हो गया और कैप्टन उसकी केयर कर रहा था जी। नहीं बच्चे बहुत अच्छे थे, आजकल कौन किसकी सुनता है कि हम किसी को बना दे अच्छा तुम फोन करो, है ना, दिमाग में यही आएगा अरे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा, मैं किसी चक्कर पढ़ूँ, मैं अपना पढ़ूँ। लेकिन आज देखिए आप लोग उसका रिजल्ट देख रहे हो कि कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। सात्विक, यस सर, क्या हालचाल? अब बेहतर है पहले से? अब बेहतर है, काफ़ी बेहतर। तो बेस्ट कब होगा? अब कॉलेज मिल जाए एक बार फिर आएंगे सर। कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ये बताओ बेटा कि क्या कहना चाहोगे, कितना बच्चों को टेस्ट देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ? सर मेरा तो जैसे इसने बताया कि ऑनलाइन करके अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हॉल वाली फीलिंग होती है वो हॉल में ही बैठ के आ सकती है,
मतलब आप सुन सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से क्या है, लेकिन जब तक आप उसको जैसे वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस नहीं करते जब तक, तो वो आपको और एक्सपीरियंस चाहिए ही एक बार, और वो एक्सपीरियंस था नहीं 2021, वो थोड़ा गड़बड़ चला गया, जैसे आपने कहा एक्सपेरिमेंट गलत जा सकते हैं, काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि टेस्ट कम नहीं देने, क्योंकि न्यू लाइट से मैंने जैसे सब जो फाउंडेशन टेस्ट कम ही देना है कि कम नहीं देने, कम नहीं देने हैं बिल्कुल भी टेस्ट। और मैंने मतलब पहले तो जब IPL में टेस्ट स्टार्ट हुए तो मैं बहुत घबरा गया था, इतने टेस्ट में इसको मैसेज किया करता था, ये क्या है तुम करवा रही हो ना इतना टेस्ट ये सब तुम लोग, थोड़ा कम कराओ मतलब। अच्छा आप देखो टेस्ट कम कराने में पैसे बचते हैं, पेपर का बचता है कि नहीं, डिफिकल्ट टास्क होता है हाँ, लेकिन मुझे पता है ना मरीज कौन सी दवा देनी है कब, और थोड़ी देर में पता ही नहीं चला कब अपने आप स्कोर बढ़ने लगा, वो देते देते मतलब वो बीच में लैग हो गया कि हमें याद ही नहीं है बस, लेकिन आप कहते थे देते रहो कितना भी आ रहा है देते रहो, तुम्हें खुद समझ में आता जाएगा। यार ये बताओ 2.5 घंटे में 200 सवाल, आंसर शीट की फिल भी करना, चारों ऑप्शन भी देखना, देखिए एक फिर एक ही बार वीडियो में बार बार बोलते हैं आपके टेस्ट बड तभी एक्टिवेट होते हैं जब मुंह में खाना जाता है, अभी मिठाई खाए तो टेस्ट बड एक्टिवेट हुई नहीं, तो जब क्वेश्चन करोगे गलत करोगे तभी पढ़ने का मन करेगा, और नहीं तो NCERT पलटो ये भी आता है ये भी आता है फिर सो जाओ। टेस्ट तो इस बार देखना, मैं टेस्ट कर रहा था तक जबरदस्त। और इनफैक्ट मैं वीडियो में, लेकिन मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि हम लोग एक सेपरेट बिल्डिंग लेने जा रहे हैं केवल टेस्ट के लिए, और उसमें और भी अच्छे लोग हमारे साथ होंगे, और हम लोग मतलब क्या होता है ना कि जैसे तुम लोग का होता है पढ़ लिया नंबर आ गया मजा आ गया और पढ़ते हैं, क्यों सचिन भाई उसी तरह से हमें भी है कि टेस्ट से इतना फ़ायदा हो तो मुझे टेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। यस सर, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, अभी आने दो नहीं, चलो शुभम भाई। यस सर, तो बहुत बहुत बधाई यूट्यूब चैनल के लिए, बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए। और शुभम किसका किसका एक्टिव चैनल है इस समय? शुभम सचिन सुषमा, तो ये सुषमा कैप्टन है, ये सचिन है, ये शुभम है, इन लोगों का चैनल है, ये लोग अपनी आप बीती बताते हैं। तो बच्चों आप लोग चाहो तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ शुभम बताओ, तुम तो आजकल अपने चैनल क्वेश्चन वेश्चन भी डाल रहे हो। यस सर, बहुत अच्छा सर। ये कहता है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो तो समय बच जाता है, खुद करके सीखोगे तो समय लगेगा ही लगेगा। सर मैं जब अप्रैल में इस बार जब आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जब देखा कि सब कुछ ना कुछ गलती करके यहाँ बैठे हुए हैं, और सबसे हमको सीखने को मिला, और इतना कम समय 2 महीने में मैं पढ़ करके सेलेक्ट हो गया। क्या बात। और ये सोच लगा कि ये ग्रुपिंग सिस्टम जो है सबके पास जाना चाहिए सर। और सर जब मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था तो उसमें एक 2 लाइन लिखा था, तो सुनाना चाहूँगा कि हार से आंख लड़ा के कहूँगा, कोशिश इस बार करूँगा, पूरे जोश और होश के साथ करूँगा। हार से आंख लड़ा के कहूँगा, कोशिश इस बार करूंगा, और पूरे जोश और होश के साथ करूंगा। गजब, हार से आंख मिला के कहूंगा, दिल को छू गया यार, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मैं सुबह में एक वीडियो बना रहा हूं कि बच्चों को क्यों लग जाते हैं 4-5 साल, क्या गलती करते हैं वो, है ना। गांव से आते हैं लगता है वो नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, फिर बड़े बड़े बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े मॉडल, वैसे बहुत कुछ हुआ है बोल दो जैसे हम लोग भी आए थे इंटर टॉप करके आए थे, तो लगा था कि बहुत कुछ उखाड़ लिए हैं हम लोग, बट एक्चुअल में आप शेर हो तो 1.25 शेर वहाँ पे पड़े हैं, मेरे पापा ये लाइन मेरे को बोल के भेजे थे, तो यहाँ पे आए हमारा भी नहीं हुआ 2-3 साल। तो उसके बाद बहुत सारे लोग सेम फिर वही गलती करते हैं कि जैसे देखेंगे ना कि अरे उनका 2 साल हो गया वो पढ़ रहे हैं, अरे भैया हम 1 ही साल निकाल देंगे। आपको ये नहीं करना, उधर देखने का है कि वो उन्होंने क्या गलती करा है, उससे सीखो, अपने काम पे लगो, ज़्यादा इधर उधर दूसरों को बोलोगे तो ना खुद सेलेक्ट होगे और वो सामने वाला सेलेक्ट होगा, तो फिर जलन के मारे आप दूसरों को बस बोलते रहोगे और कुछ नहीं होगा। फैक्ट है सर। नहीं, एज ए टीचर मैं जो फील करता हूँ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, बहुत ज़रूरी। ऐसा थोड़ी है कि कहते हैं कि अनुभव का कोई शॉर्टकट नहीं होता। yes, sir. तो मैं भी हर साल सीखता हूँ, जैसे मैं अब कभी नहीं कहूँगा ये पेपर ऐसा आएगा। yes, sir. आप समझ रहे हैं ना। yes, sir. कुछ भी हो सकता है। जी सर, बट वन थिंग इज कॉमन कि पेपर NCERT से होगा। अब फिर देखिएगा, खेला होगा, फिर हम बता रहे हैं अभी, आप लोग जब आप लोग तो फर्स्ट ईयर में होंगे, आपने बोला बायो में, क्या होगा कि बायो तो बिल्कुल घर का है, घर की मुर्गी है ना, पटक दिया उठा के, दिमाग सही हो गया। लेकिन ये तो आप
बायो में, हाँ बायो में खेला होगा, इस बार भी बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं क्या होने वाला है। अब लोग खूब स्टेटमेंट रिजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए नीट फेज वन और नीट फेज टू देखिए, नीट फेज वन में जितने स्टेटमेंट रिजर्वेशन सवाल थे नीट फेज टू में नहीं थे। इट डिपेंड्स कि रीवा ने पेपर सेट किया, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, सुषमा ने सेट किया, इसको कैसी लाइकिंग है। तो लोग कहते हैं एनटीए का ये पैटर्न, एनटीए का कोई पैटर्न नहीं है, बिकॉज योर एग्जामिनर जो आपका एग्जामिनर हर साल चेंज हो रहा है, अब वो क्या चाहता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ एक चीज़ है कि जब लोगों ने सोचा कि बायो में सबके 360 का थे, कर दो कुछ, और ऐसा कर दिया कि ये क्वेश्चन के आंसर ही गलत दे दिया, और पता चला किसी के 360 आए नहीं, है ना। फिजिक्स बहुत टफ, बहुत टफ, ईजी कर दिया, ठीक है। तो बच्चों एक सजेशन है, आगे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे कि पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं होना है कि कौन सा पेपर कैसा होगा। हाँ एक प्रेडिक्शन है, प्लीज़ डोंट स्टडी एनीथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना। आप 20 का पेपर देखो, 21 का पेपर देखो, बायो में एक दो सवाल बाहर के थे, 22 में पूरा लगता है कि एग्जामिनर ने एनसीईआरटी कायदे से पढ़ते गए और लिखते गए, और जब पेपर आदमी फ्रेम करता तो गलती हो जाती है ना। तो एक बात और है भैया, सुन लो यार, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो काउंसलिंग के लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं एक चीज़ और समझ लो, ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना कि 20 साल का आंसर लगा रहे हो, 40 साल का, भैया सिलेबस ही चेंज हो गया यार मालिक, है ना। तो 2015 के बाद बहुत सारे पुराने क्वेश्चन उस टॉपिक के लगाने की जरूरत है, जो टॉपिक कॉमन है उसके लगा देना। तो बच्चों आज तुम लोगों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया, और नीट 2023 के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, और कुछ कमाल होगा 2023 में। यस सर, जरूर, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो अब तो तुम लोग भी हमारे साथ हो ना। यस सर, और तुम लोग भी एक एक दो दो बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हो, उनका भी सिलेक्शन होगा। एक लाइन और बोलो भैया, और कमाल हो जाएगा। अरे दो लाइन बोलो यार। एक लाइन ये है कि जैसे देखो, जितना लोग पेपर देंगे ना, चाहे जैसा पेपर आए, कठिन आए आसान आए, अगर आपकी हैबिट क्वेश्चन छोड़ने की है, मतलब कि आपको ये नहीं आया तो इसको स्किप करना है, चाहे जैसा पेपर आएगा आप कभी परेशान नहीं होंगे। मैंने 2 घंटे 20 मिनट पेपर ख़त्म किया है, मतलब चाहे टफ हो चाहे जो, आप इतना रखो कि दो, मतलब कि दो फेज में करने का सोचो बस। पहले बार में 15-20 क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, बट दोबारा देखोगे वही सेम क्वेश्चन लगेगा आ रहा है फिर, तो बस इससे बच जाएगा। पेपर में तो हमने देखा, जैसे पहली बार पेपर देखो लगता है कि पता नहीं क्या कुछ, धीरे 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 धीरे। दूसरी एक चीज और है कि बच्चों को बेटा आप लोगों को डे वन से बना लेना क्या छोड़ना है, जैसे क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी क्या छोड़ना है, और जो छोड़ना है उसको बिल्कुल छोड़ दो, जो टफ लगे उसको किनारे करो, और अभी से सोच के जाओ कि हमें 160-170 क्वेश्चन कैसे सही करने हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रहा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो फिर अगली वीडियो बच्चों बताएंगे। तो आज बहुत खुशी का मौका है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी शुरू हो गई, और जब बच्चों को रोते हुए देखते हैं, आज मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, सबके दांत दिख रहे हैं, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब भी जिनके नंबर थोड़े कम हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए, एक बार जुड़ जाइए कायदे से, और आपका सिलेक्शन सिर्फ आप कराएंगे, क्लियर। हाँ सुषमा बोली, अभी आपको एप्रिन भी पहनाना है, तो लाइए फाइनली एप्रिन पहना दे बच्चों को, आओ पहले कैप्टन तुम्हें पहना दे भाई। चलो शायद जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सबका ड्रीम यही होता है। आ जाओ भाई सेल्फी तुम।
सुषमा थैंक यू सो मच कि सारे बच्चों को जोड़ा तुमने, और सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि तो एक टीचर का भी ये ड्रीम होता है, बच्चे का भी ये ड्रीम होता है कि अपने बच्चे को व्हाइट एप्रिन खुद पहनाए। और तुम लोग डॉक्टर बनने के बाद हमेशा याद रखोगे सर ने सबसे पहले व्हाइट एप्रिन पहनाई थी, और ये बड़ा इंस्पिरेशन होता है। सारे बच्चे लोग अपने टेबल के सामने ऊपर लगा के रख लेते हैं। गॉड ब्लेस यू सचिन, और भगवान करे कि हाँ इनको ब्लैक कलर चाहिए। हाँ तो इससे आप लोग अपनी आगे बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन देखें और उसको सही करें। और इसी को बोलते हैं ड्रीम कम्स ट्रू। ये मेरा सपना था सर, लगता है मेरा अब नहीं हो पाएगा, प्लीज सर अब नहीं तैयारी करेंगे सर, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं सर। वेलकम बेटा। हाँ बोलेंगे उसको बोल देना पहले हमने स्टेथो अमी ने पहनाया था उसको, दिमाग ना खराब हो। चलो अरे सॉरी यार देख नहीं पाए। ब्लैक व्हाइट क्या बात है, नीट के बाद अब धक-धक हो रही है। नीट के बाद अब धक-धक हो रही है क्यों? ये पहनने के बाद हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप लग रहा है ना। तो हम सब लोग सारे बच्चों को विश कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं उनको विश कर रहे हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, और जो बच्चे निराश परेशान हैं उनके लिए हम लोग विश कर रहे हैं कि उनको कॉलेज मिले। तो परेशान नहीं होना बच्चों, जैसे ये सब चेहरे हंस रहे हैं आप भी एक दिन हंसोगे और आपके साथ भी वीडियो बनाएंगे। तो लक्ष्य और उज्ज्वल ग्रुप के बाद आज हम लोग उन्नति ग्रुप के, तो उन्नति ग्रुप जिंदाबाद। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।